हम लोग आ चुके हैं का पार्टी करने के लिए। हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? सो आई होप कि आप सभी कोई ठीक होंगे। सो गाइज, मैं हूँ झारखंड के हजारीबाग जिले से, एक छोटे से सिटी बरी से बिलोंग करता हूँ। एंड मैं आपको बता दूं कि दो दिनों के बाद फाइनली सनलाइट निकल चुकी है। एंड दो दिनों से हमारे यहाँ लाइट भी नहीं थी और दो दिनों से बहुत तगड़ी वाली बारिश हो रही थी। एंड दूसरा चीज़ कि मेरा नाम रुपेश चौधरी है एंड मेरा चैनल का नाम है रुपेश इंजन। तो प्लीज़ जाके जिसने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो पहले से जाके सब्सक्राइब कर लो। आज का ब्लॉग बहुत ही तगड़ा होने वाला है और साथ में आज विश्वकर्मा पूजा है, तो आज हम पूरा सिटी घूमेंगे और एक यहाँ पे मेला लगता है तो वहाँ पे भी आज हम घूमने के लिए जाएंगे दोस्तों के साथ। तो ब्लॉग के लास्ट तक बने रहना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पे आ चुका हूँ, पवन के घर पे, और यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा पुराना वाला चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो भाई मटके वाला पानी, इसमें मटके में पानी रख के और मस्त निकाल के पीते हैं गर्मी के दिनों में। गाइस अभी हम आ चुके हैं मार्केट एंड अभी बहुत जगह पे अभी घूमना है और मस्ती करना है, तो आप सारा ब्लॉग में आप देख सकते हो। गाइस अभी हम आ चुके हैं मेडिकल, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कुछ दवाई लेना हुआ था, तो इसके लिए मेरा दोस्त आया है, उसी को लेना था दवाई। तो अभी हम दवाई वगैरह ले रहे हैं और फिर उसके बाद चलते हैं उसके घर पे, उसके बाद वहाँ पे पहुँचा के फिर हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। ये सब हमारे दोस्त है और इसको लेना था दवाई, तो ये ले चुका है। अब चलते हैं सीधा इसके घर पे। हेलो बच्चों, हाय बोल दो एक बार। देखो भाई पढ़ाई कर रहा है यहाँ पे सब कोई। हम लोग आ चुके हैं गुपचुप का पार्टी करने के लिए और यहाँ पे मटेरियल सब तैयार है। और गाइस एक मैं भी खाने वाला हूँ अभी। हम यहाँ पे मजे से खा रहा है भाई, बहुत ज्यादा स्पाइसी है, एक ही खाऊंगा। विवाद छिड़ गया है, सब एक दूसरे का प्लेट से निकाल के खा रहा है। पवन तो ज्यादा हद पार कर दे रहा है पूरा, ये देखो सबसे ज्यादा पवन खा रहा है। चलो गाइस अब सब कोई रेडी हो गया है और अब हम जा रहे हैं, निकल पड़े हैं मतलब मेला जाने के लिए। तो अब सब कोई रेडी हो चुका है, ये देखो सब कार के अंदर है। और ये रितेश है, दोस्त है मेरा, ये सर्वेश है, बाकी पवन और दोनों पवन पीछे बैठा हुआ है। सो गाइस हम ना अभी 3 बजे निकलने वाले थे, मतलब अभी 6 बज चुका है, काफ़ी लेट हो चुका है क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूज़न दोस्त वगैरह को आप जानते हो ना कैसे रहता है, कोई इधर चला गया कोई इधर चला गया। और वैसे भी आज विश्वकर्मा पूजा था तो सब अपने अपने काम में बिजी थे, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। एंड हो सकता है कि जाते जाते हम लोग का पूरा रात भी हो जाए, अंधेरा भी हो जाए, बट ब्लॉग पूरा रहेगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और दूसरा चीज़ ये कि जहाँ पे मेला लगने वाला है ना, हम लोग को कंफर्म पता नहीं है कि वहाँ पे लगेगा या नहीं लगेगा, बट हम क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं वहाँ पे, तो फिर देखते हैं है क्या सीन वहाँ का। यहाँ पे एक फंडा हो चुका है, अभी फ़ोन पे में हम लोग 500 रुपया मतलब दे रहे थे तो प्रोसेसिंग में लिख दिया, तो वही अभी नहीं हुआ, तो अभी फिर से हम लोग को पेड करना पा रहा है, लेकिन अभी हो सकता है कि उसी के पास चला जाए, तो फिर बाद में हम लोग को लेना पड़ेगा आगे। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं मेले में और मुझे लग नहीं रहा था कि, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गया तो मुझे लग रहा था कि मेला उठ जाएगा, तो बट अभी तक लगा हुआ है, तो बस अभी अंदर जा रहे हैं एंट्री करने के लिए। भाई बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और यहाँ पे ज़्यादा लाइट भी नहीं है, जिससे मेरा शकल ठीक से दिख भी नहीं रहा है, सब अंधेरा अंधेरा है। तो अभी जाके आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है। गाइस ये है पावर हाउस, जहाँ से हमारा पूरा सिटी में यहाँ से लाइट सप्लाई होता है। गाइस अब हम यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा अंधेरा हो चुका है ना, तो घूमने में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। कभी दिन में जाऊँगा तो यहाँ का फुल वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं नीचे रिटर्न मेला की तरफ। फाइनली हम पहुँच चुके हैं मेले में एंड आपको आगे का सीन दिखाता हूँ, बट आपको दिख रहा होगा पूरा हमारा फेस हरा हरा दिख रहा है और यहाँ का डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ अभी। यहाँ
पे पूजा हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पे सामने में, और मस्त डेकोरेशन हुआ यहाँ पे, पूजा कंप्लीट हो चुका फाइनली। तो भाई दोनों क्या खरीद के ला रहे हैं? चुनचुनवा। अरे ये देखो बच्चों जैसे हरकतें कर रहे हैं दोनों को ही मिलके भाई। यहाँ पे ज्यादा कुछ जैसे तारा माछी वगैरह या झूला वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो बस नॉर्मल सा मेला लगा हुआ था, लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अभी और भी सीन दिखाएंगे, बट अभी हम लोग मेले से बाहर हैं। अभी आ चुके हैं रितेश का नानी के यहाँ पे, रुके हैं अभी यहाँ पे, सब कोई आ रहा है, सब सर्विस वगैरह सब बाहर पे है, तो अभी आएगा अंदर सब कोई। हम लोग तो अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, बस उन लोग भी आ रहा है पीछे से। दोनों बलून और वो वाला खिलौना सब इसके लिए था। क्या हुआ, कैसा है भाई? रो रहा था कुछ देर पहले, ये अभी शांत है। यहाँ पे खेल रहा है पवन बच्चों के साथ में। हाय हाय हाय, चुका है गाइस रूम के अंदर में, और पवन बच्चों वाला चश्मा लगाया। इधर देखो सर्विस यहाँ पे आ चुका है, पवन है, रितेश और पवन, और ये देखो यहाँ छोटी सी प्यारी सी बच्ची। हाय क्या नाम है आपका? आनंदी। आनंदी नाम है इनका। तो भाई यहाँ पे दोनों को मस्ती कर रहे हैं दोनों बच्चे मिलके। हेलो हेलो हेलो, दोनों खेलो दोनों खेलो। यहाँ पे हम लोग को खाने के लिए मिल चुका है पकोड़ा, साथ में टमाटो केचप एंड रसगुल्ले भी। चलो गाइस रात को मस्त पकोड़ा वगैरह खा लिया। ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ एंड मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।